सब्सक्राइब कीजिए नूर फैशन वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फैशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूर फैशन वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी जो हिप साइड होता है जहां पे हमारी स्लिट शुरू होती है, मतलब कि चाक, वहां से अगर सूट टाइट हो जाए तो आप उसे किस तरीके से ढीला कर सकते हैं। वैसे मैंने बस साइड से जो टाइट हो जाता है सूट, उसकी भी वीडियो बनाई है और उसके लिंक भी मैं ऊपर आपको आई बटन में दे दूँगी, तो आप वो देख सकते हैं क्लिक करके। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि हिप साइड जहाँ से हमारे चाक मुड़ते हैं वहाँ पे कपड़ा भी नहीं होता है, आप किस तरीके से उसको खोलेंगे, तो आज मैं वही बताऊँगी। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो देखने के बाद थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे जो चाक बने हुए हैं ये हिप साइड की तरफ आते हैं, और यहाँ से अगर सूट टाइट हो जाए तो आप किस तरीके से उसको खोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपको इस तरीके से ये जो हमने स्लिट को फोल्ड किया हुआ है इसको हम खोल देंगे। तो चलिए खोलते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसकी सिलाई निकाल ली है ये फोल्डिंग की। अब मैं इसको प्रेस कर लेती हूँ अच्छे से ताकि ये अच्छे से खुल जाए, तो मैं प्रेस करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ये स्लिट को खोल के और अच्छे से प्रेस लगा ली है इसमें। तो ये जो है ये मेरी हिप की सिलाई है अभी जो हो रखी है। तो अब हम इसको तकरीबन, ये तो कट है जो मैं कट लगाती हूँ मोड़ के, ये वो वाला कट है, इसको रहन दीजिए। अब जो है हम हिप की जो सिलाई खोल सकते हैं वो तकरीबन हम यहाँ तक खोल सकते हैं, मतलब पूरा 1 इंच तकरीबन हम सिलाई खोल सकते हैं हिप की। तो अब ये अभी की सिलाई ये है, और अब जो हम हिप की सिलाई करेंगे वो यहाँ पे करेंगे। चलिए हिप की सिलाई कर लेते हैं, यहाँ से पक्का करना है। और ये वेस्ट की सिलाई में आके हम इसको मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे हमारी पहली वाली सिलाई थी और तकरीबन हमने 1 इंच इसको खोल लिया है। तो दोनों साइड से 1-1 इंच खुलेगा, तो 2 इंच खुल चुका है। तो मैं अभी आपको एक ही साइड को बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अब ये तो खुल गया, अब हम इसको फोल्ड कैसे करें। अब आप कैसे फोल्ड करेंगे इसको, आपको आपका जो भी कुर्ते का कपड़ा है उसकी मैचिंग का कपड़ा लेना है, और आधे मीटर से भी बहुत ही कम कपड़े में आपका ये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने भी इसी की मैचिंग का कपड़ा लिया है ये, और जितनी लंबी हमारी स्लिट है उतना लंबा मैंने ले लिया, उससे थोड़ा सा बड़ा ही है। और ये इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1.5 इंच आप ले लें या 1.25 इंच ले लें, तो मैंने 1.25 इंच ली हुई है। तो फ्रेंड्स, आपको दोनों स्लिट के लिए 4 पट्टियाँ काटनी पड़ेंगी, मैं अभी आपको एक का ही बता रही हूँ। तो मैंने 2 पट्टियाँ काटी हैं, और आप पहले, सबसे पहले जो आपकी ये पुरानी वाली सिलाई है इसको आप खोल लें। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सिलाई खोल ली है, और अब की जो हमारी सिलाई है ये देखिए, अब की जो सिलाई हमारी वो ये है, और वो सिलाई खुल चुकी है मतलब। तो अब हमें क्या करना है, जो ये पट्टियां मैंने काटी हैं इनको हमें इस तरीके से, ये सीधा साइड है और ये पट्टियों को इस तरीके से रखना है पूरी ऊपर तक, जहाँ तक हमारा ये सिलाई है उससे भी ऊपर तक रखना है, तकरीबन 2 इंच ऊपर तक रखना है। और इसको इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे पट्टियों को, दोनों साइड इसी तरीके से कर लेंगे हम। चलिए मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ये दोनों पट्टियाँ इस तरीके से इसमें जॉइंट कर ली हैं, और इसको अच्छे से प्रेस भी कर लिया है इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, इसको एक बार इस तरीके से मोड़ना है, और फिर इसको इस तरीके से मोड़ना है, तो हल्का सा जो है ये हमारा ये कुर्ते का कपड़ा भी इस तरीके से आ जाएगा, तो पता नहीं चलेगा कि हमने ये इस तरीके से ये काम किया हुआ है यहाँ पर। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं इस तरीके से करके।
तो फ्रेंड्स ये देखिए दोनों पट्टियाँ मैंने लगा ली हैं इस तरीके से, और अंदर से भी मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से आएगा, और यहाँ से सीधे साइड से इस तरीके से आएगा, और तकरीबन एक एक इंच, मतलब पहले यहाँ पे सिलाई थी अब यहाँ पे आ गई है, पूरे एक इंच का फ़र्क आ गया है, इतनी ढीली हो गई है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।